हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री इंग्लिश अरिहंत वर्कबुक का यूनिट टेन का चैप्टर टू द सिप ऑफ़ द डेजर्ट तो द सिप ऑफ द डेजर्ट आपके बुक का लास्ट चैप्टर है तो आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए द सिप ऑफ द डेजर्ट टेक्स्ट बेस्ड क्वास्चन्स रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो देखिए ये लाइन चैप्टर से लिया गया है इसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है देर आर थ्रोनी बुसेस इन द डेजर्ट आई इड द द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग तो देखिए यहाँ पे थ्रोनी बुसेस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेजर्ट में थ्रोनी बुसेस होते हैं यानी कि कटीली कटीली झाड़ियाँ होती है ठीक है मैं इसे खाता हूँ मैं इस कटीली काटेदार पौधे जो होते हैं झाड़ियाँ उसे खाता हूँ ठीक है और इससे जो है ना मेरे जो टंग हैं टंग बहुत मोटे हैं तो उससे कोई भी ये नहीं होता है यानी तो कि चुभते नहीं हैं ठीक है थॉर्न मेरे टंग में चुभते नहीं हैं ठीक है तो ये कहा जा रहा है अब क्वेश्चन है कि वेयर आर थ्रोनी बूसेस लोकेटेड अब ये जो थ्रोनी बूसेस होते हैं तो ये कहाँ लोकेटेड हैं यानी कि कहाँ पाए जाते हैं तो थ्रोनी बूसेस मीन्स क्या हुआ कटीली झाड़ियाँ तो इन डेज़र्ट तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरिया में सिर्फ कटीले कटीले जो होते हैं ना तो झाड़ियाँ होती होते हैं और भी जो होते हैं कैक्टस के प्लांट होते हैं तो बहुत सारे जो होते हैं ना रेगिस्तान में तो इसी तरह के पाए जाते हैं अगर आप उस एरिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा ठीक है सेकेंड में है हु इट्स द थ्रोनी बुसेस थ्रोनी बुसेस को कौन खाता है कैमल ठीक है कैमल क्यों खाता है क्योंकि उसके जो टंग होते हैं ना वो मोटे होते हैं और उससे वो अच्छे से जो है ना वो खा सकता है ठीक है उसके बाद है आपका थ्री नंबर में फाइन टू प्रोनाउंस फ्रॉम द एब लाइन अब देखिए आपको टू प्रोनाउंस यहाँ पे ढूंढना है ऊपर वाले लाइन में कि कौन कौन सा प्रोनाउंस है ठीक है तो एक तो क्या हुआ आई दूसरा हुआ माई चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है द बर्निंग सेंड डज़ नॉट बॉर्डर द रैबिट लायन टाइगर कैमल ठीक है तो देखिए जो बर्निंग सेंड होता है वो किसे कुछ अंतर नहीं पड़ता है किसे तो इससे जो है ना कैमल को कुछ भी को, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है वो क्योंकि वो बर्निंग सैंड में ही रहता है जो वहाँ का जो रेता होता है ना सैंड बहुत ही गर्म होता है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ए लायन नीड्स वाटर एक लायन को ज़रूरत होता है वाटर का आफ्टर एवरी टू डेज आफ्टर एवरी फोर डेज एवरी डे या एवरी वीक तो एवरी डे ठीक है एक लायन को एवरी डे वाटर का जरूरत होता है ए लायन कैन रन इन द फॉरेस्ट एट सेवेंटी किलोमीटर्स एन आवर नाइन्टी किलोमीटर्स एन आवर एट्टी किलोमीटर्स एन आवर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स एन आवर तो लायन जो है ना वो फॉरेस्ट में दौड़ सकता है तो 80 किलोमीटर्स एन आवर ठीक है एक घंटे में वो 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता है टिक लगाएंगे ठीक है ए कैमल हैज अ कैमल के पास होता है थिक टंग थीन टंग लॉन्ग टंग या स्मॉल टंग क्या होता है थिक टंग यानी कि मोटे टंग ठीक है टिक लगाएंगे उसके बाद है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स ट्रू के लिए टी का यूज करेंगे और फॉल्स के लिए एफ का यूज करेंगे द लायन इज दिप ऑफ द फॉरेस्ट लायन क्या है द लायन इज दिप ऑफ द फॉरेस्ट क्या है ये सिप ऑफ द फॉरेस्ट है लायन तो फॉल्स एफ लिखेंगे ए कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट ऑन अर्ट आफ्टरनून ट्रू टी एवरी एनिमल कैन रन इन द फॉरेस्ट टी सम एनिमल्स कैन रन ऑन सेंड एफ द कैमल कैन रन ऑन सेंड एट थर्टी फाइव किलोमीटर्स एंड आर एफ ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ कैमल स्टोर फूड टू वीक्स कितने दिनों के लिए जो है कैमल फूड स्टोर कर लेता है तो टू वीक्स के लिए वाई डज द लायन नॉट वॉन्ट टू गो टू द डेजर्ट द लायन कांट स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि लायन जो है ना वो डेजर्ट में क्यों नहीं जाना चाहता है ठीक है क्योंकि वो विदाउट वाटर नहीं रह सकता है ज़्यादा दिनों तक ठीक है इसलिए वेयर डज द कैमल स्टोर फूड तो ये जो है ना कैमल वो फूड स्टोर कहाँ पर करता है इन हम्प हम्प में हाउ कैन कैमल रन ऑन सैंड They have thick and padded है? तो वो किस तरह से सेंड में दौड़ सकता है तो कैसे दौड़ता है तो वो अपने थिक एंड पेडेड फिट की वजह से जो उसके मोटे एंड uh, मोटे और गद्देदार जो होते हैं न उससे वो uh, दौड़ता है उसके बाद है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ठीक है द नेम्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर जम्बल्ड कुछ जो है ना एनिमल्स के नाम जो हैं जम्बल्ड हैं तो री एरेंज द लेटर्स एंड फाइंड द नेम्स तो इस लेटर्स को जो है ना आपको री अरेंज करना है और आपको नाम पता करना है ठीक है तो ये क्या है तो जेबड़ा जेड ई बी आर ए जेबड़ा सेकेंड में डी डी डबल ई आर ये वाला है फॉक्स एफ ओ एक्स और ये वाला है आर ए डबल बी आई टी रेबिट ये होगा डी ओ एन के ई वाई डंकी ये है कैमल सी ए एम ई एल कैमल ठीक है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी अब देखिए कॉलम ए है और कॉलम बी है अब इसे आपको मैच करना है ठीक है तो यहां पर है इंटरपुट इंटरप्ट ठीक है अब इसका क्या होगा डिस्टर्ब एफ नंबर उसके बाद है डिस्टेन ठीक है डिस्टेन का क्या होगा डी नंबर ए फीलिंग डैट सम वन इज़ नोट वर्दी ऑफ वन्स रिस्पेक्ट ठीक है उसके बाद है फॉर्थ नाइट फॉर्थ नाइट का ई नंबर ए पीरियड ऑफ टू वीक्स फ्राउन फ्राउन का होगा सी नंबर मे कैन एक्सप्रेशन टू शो डिस्रूवल ठीक है उसके बाद है बॉर्डर बॉर्डर तो का होगा ए नंबर वरी डिस्टर्ब और अपसेट का बी नंबर ए राउंडेड मास फाउंड ऑन द बैक ऑफ अ कैमल ठीक है तो इस तरीके से ये आपको बना लेना है मैच कर लेना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है ये लास्ट चैप्टर था आपका तो आप अच्छे से पढ़िए आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद आप अगले क्लास में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो मैं अगले सेशन से मैं वर्कबुक बनाने वाली हूँ वो भी ओसवाल का वर्कबुक तो ओसवाल का वर्कबुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो उसका मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पहले ही खरीद लें कि आपको आसानी हो पढ़ने में ठीक है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं आप अमेजोन से ख़रीद सकते हैं या उसका ऑफिशियल वेबसाइट है आप उससे भी ख़रीद सकते हैं और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से ख़रीदते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है तो आप आज के आज आप ऑर्डर कर दीजिए और बुक मंगवा लीजिए ठीक है और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी सी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो